हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू इंडियन क्रिप्टो माइनर। और आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आया हूँ, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि हम ASIC को मॉनिटर कैसे करें, हम ASIC में कुछ अगर माइनर चेंजेस करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं विदाउट फर्मवेयर चेंजेस, विदाउट लॉजिक बोर्ड चेंजेस। तो हम ये सब क्या करेंगे, फिनिश गुड प्रोडक्ट के साथ करेंगे, लाइक जो फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड है और उसमें कोई भी चेंजेस या R&D या कोई भी रिसर्च या कुछ भी ऐसा डेवलप्ड या कुछ भी मतलब नई चीज़ नहीं हमने ऐड करी है, एड ऑन की है। तो उसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ कि हम उसे कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। राइट नाउ ये मेरा अभी एक अंटमैनर S19 प्रो चल रहा है, 26 मिनट पहले मैंने बूट किया था, बूट क्या किया था, लाइट चली गई थी यार, तो बूट हुआ, ठीक है। तो अभी फाइनली ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है और टेम्परेचर भी नॉर्मल ही है, 75 जा रहा है, ठीक है। आज गर्मी है थोड़ी सी यहाँ, तो अब इसको हमें सेटअप करना है मॉनिटरिंग के लिए कि अगर मैं इधर हूँ, उधर हूँ, कहीं बाहर हूँ तो मैं ये देख सकूँ कि यार अच्छा टेम्परेचर इतना जा रहा है, फ़ैन स्पीड इतने चल रहे हैं, इतना गीगा हैश या इतना टेरा हैश दे रहा है, 100 टेरा हैश दे रहा है, नहीं दे रहा है, 101 102 एवरेज ऑन जो भी दे रहा है। उसके बाद पूल वगैरह सब सही हैं, रिजेक्शन तो नहीं है, ठीक है, हार्डवेयर एरर तो कोई अभी नहीं आया है, ये सब चीज़ें हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये रियल टाइम हैश रेट, नेटवर्क, फैन स्पीड, माइनर टेम्परेचर, ये सब हम चेक कर सकते हैं रिमोटली, उसके लिए लाया हूँ। हाँ ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है एमलॉजिक में, तो हम एमलॉजिक को ही रखते हुए इसको मॉनिटर करेंगे। कैसे करेंगे, हम चलते हैं वेबसाइट पे, माइनर स्टेट, यस यही है वो वेबसाइट है जहाँ पे हम अपने ASIC को अटैच करके इसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। सेकेंडली, इसके लिए आपको एक अलग PC चाहिए होगा, आप छोटा सा नॉर्मल PC ले सकते हो, ठीक है बॉस, मतलब कोई ऐसी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसको आप क्या करो, मैंने जो कर रखा है मैं अपना बताता हूँ, मैंने सीधे वो इन्वर्टर पे कनेक्ट कराया हुआ है, ठीक है, हर समय वो चलता रहता है, उसमें एक 120 GB की SSD लगी हुई है, मदरबोर्ड है, सिंपल सा प्रोसेसर है, छोटी सी रैम है, मतलब कि वो है, और H61 बोर्ड है, ठीक है। तो गाइज मैं तो लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वो मैं आपको विंडोज़ पे बताने वाला हूँ, विंडोज़ 10 पे। तो आप विंडोज़ 10 डाल करके उसे यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको सिंपली विंडोज़ को इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, उसके बाद विंडोज़ को छोड़ देना है, लेकिन पावर ऑप्शन में नेवर स्लिप कर देना है। तो सबसे पहले आपको माइनर स्टेट पे अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। अकाउंट बना करके आपको जाना है वर्कर पे, सबसे पहले वर्कर ऐड करना है, और आई हैव एन ASIC मशीन, इस पर क्लिक करते हैं एंड देन कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अंटमाइनर है, आप इसमें यूज़ कर सकते हो व्हाट्सएप माइनर, ये देखो आपने अगर होता ना एवलॉन, कैनन का, गोल्ड शेल सारे हैं इसमें, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो, मेरे पास अंटमाइनर है, लोकल IP उसका जो है मैं वो दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद अपना रूट पासवर्ड आपको पता ही है सबका, रूट होता है, ये सब होने के बाद कंटिन्यू करेंगे, वर्कर का नाम डाल देंगे S19 प्रो, ठीक है, S19 प्रो ऐड वर्कर करेंगे, ठीक है, वर्कर ऐड हो गया, देखो ऑफलाइन दिखा रहा है। अब बहुत ही सिंपल चीज़ करनी है, ये हमारी एक्सेस की है, ये हमारा ग्रुप और एंटमाइनर का ग्रुप सेलेक्ट हो गया है, जो भी सिलेक्ट करना है हमने, यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चूज़ करते हो, इसको आप विंडो इंस्टॉलर नॉर्मल विंडो में करना है, पोर्टेबल विंडो में करना है, मैक पे करना है, लिनक्स इंटेल पे करना है, ARM रेसिपी पाई जिस पे करना है आप उस पे करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से सब डाउनलोड हो जाएगा, और अब हम क्या करते हैं इसको, हम ये डाउनलोड कर लेते हैं ASIC विंडो इंस्टॉलर,
ठीक है, ये अभी डाउनलोड हो जाएगा। 80 MB का सॉफ्टवेयर है मात्र छोटा सा। तो क्या करना है कि सिंपली हमें इसे कनेक्ट करना है। कोई भी आप पीसी ले लो छोटा सा, और उस पीसी पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। मोर इन्फॉर्मेशन, रन एनीवे और नेक्स्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट करिए, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन। उसके बाद इसे लॉन्च करिए। तो देखिए ये खुल गया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नो वर्कर आ रहा है। अकाउंट में जाइए, ऐड वर्कर कीजिए, अपनी एक्सेस की जो यहाँ पे हमने थी ये वाली, इसको कंट्रोल सी करिए और ये यहाँ पे कंट्रोल वी करके डालिए, ठीक है, और ऐड करिए। ये देखिए आपका ये ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आप अपने वर्कर पे जाइए, वर्कर अकाउंट ये ऐड हो गया है। अब आपका यहाँ पे रिफ्रेश करिए एक बार, ठीक है, और वर्कर पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। ये आ गया आपका वर्कर ऑनलाइन, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब हमने कुछ नहीं करना है, इसको हम एज इट इज यहाँ पे इसे बंद भी कर सकते हो आप, क्योंकि हमारी कमांड जो है पीछे रन हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बंद कर सकते हो आराम से, ठीक है। और या मिनिमाइज़ कर दो या क्लोज कर दो, ठीक है। तो अब जो है आप इसको मॉनिटर कर सकते हो। ये देखो आप SHA-256 हैश पे मेरी लगी है, 46 मिनट अप टाइम है, 102 टेरा हैश है, 100% एफिशिएंसी है, कितना मंथली देगा ये भी दिखा रहा है, कितनी पावर कंजप्शन हो रही है, कौन सा बोर्ड कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, एफिशिएंसी क्या आ रही है, फ़ैन क्या चल रहे हैं, कितना टेम्परेचर है, कितना डॉलर पर डे अर्निंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। चार्ट अभी नहीं आया है क्योंकि अभी 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 हुआ है इंस्टॉल, ठीक है। और फिर सेटिंग भी है यहाँ पे बहुत सारी आप कर सकते हो, और उसके लिए आपको फिर अब प्लान को अपग्रेड करना पड़ेगा। सिर्फ आप इसमें एक ही यूज़र ले सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा ये वीडियो था, बहुत बढ़िया तरीका है। अब आप इसको कहीं भी खोलो, मोबाइल पे कहीं भी, और इसको आप यूज़ कर सकते हो एज अ मॉनिटरिंग एसिक। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करना।